Hello guys, how are you all? I am Rakesh, welcoming to our channel Coding Jam. So friends, आपने कभी सोचा है कि ISRO की तरफ से आप सर्टिफिकेशन कोर्स करके ISRO का फ्री सर्टिफिकेट पा सकते हो without any cost, ISRO will give you certificate. Can you think of that? मतलब आप सोच सकते हो अगर आपके रेज्यूमे में ISRO का सर्टिफिकेट लग जाए ना तो अपने रेज्यूमे को कितना ज़्यादा एनहांस करेगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा एनहांस करेगा आपके रेज्यूमे को और उसके साथ साथ आपके जॉब लगने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा. ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ISRO का फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट, आपको ISRO सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत भी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है दोस्तों, चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों अभी हम आगे हैं ISRO का ऑफिशियल वेबसाइट पे. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग. ठीक है, ये रहा ISRO का ऑफिशियल वेबसाइट. फिर यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने तीन कोर्स है. ठीक है, ये है अब हमारा पहला कोर्स जो कि शुरू होगा अक्टूबर 19 से अक्टूबर 29. फिर सेकेंड कोर्स जो कि है नवंबर सेकेंड ऑफ नवंबर से 20 ऑफ नवंबर तक चलेगा ये कोर्स. फिर जो थर्ड कोर्स है मतलब मैं वीडियो लाने में थोड़ा देर कर दिया, वो शुरू हो गया है ऑलरेडी, अभी चल रहा है कोर्स, सितंबर 28 से शुरू हुआ है और अक्टूबर 15 को ख़त्म होगा. ये थोड़ा बड़ा कोर्स था तो छोड़िए, इसके बाद छोड़िए, हम अभी दोनों को ये जो पहला ऊपर वाला और सेकंड वाला ये 72 एंड 69, ठीक है, ये दोनों कोर्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना जो कोर्स है उसके बारे में देख सकते हो. ये रहा हमारा ऑफिशियल जो ISRO है ना उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन की कोर्स चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ. अबाउट ISRO के बारे में आपको तो पता ही होगा, ISRO के बारे में उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा. हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स का शेड्यूल रह गया है, जो करिकुलम रहेगा कोर्स का कहाँ कब, मतलब उसका जो टाइम टेबल रहेगा, ये डेट में ये होगा, वो डेट में वो होगा, कब तक, मतलब किस डेट से लगे किस डेट तक कोर्स चलेगा, सब कुछ लिखा गया है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट पार्टिसिपेंट, आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, टेक्निकल स्टूडेंट हो, साइंटिफिक स्टाफ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैकल्टी हो, रिसर्च स्कॉलर हो, जो भी हो, आपके लिए मतलब प्रोग्राम है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो. ठीक है, फिर कोर्स फी आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, नो कोर्स फी. फिर यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा कहाँ पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको कब मिलेगा, जब आपका 70% अटेंडेंस रहेगा, लाइक जो कोर्स चलेगा उसमें अगर आप 70% अटेंडेंस दोगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जो एग्जाम होगा उसमें आपको 40% मार्क लाना जरूरी है. ठीक है, तो ईजी है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. फिर हम बात करते हैं आपको एनरोल कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोर्स है. ठीक है, आपको जो भी कोर्स पसंद आया, लाइक अगर आपको बोथ कोर्स में एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको देख रहा है, ये सपोज मैं ये कोर्स में एनरोल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है प्लीज सिलेक्ट कोर्स नेम. ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो भी कोर्स अवेलेबल होगा, जो भी कोर्स अवेलेबल होगा वो आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, सपोज मैं ये वाला कोर्स के लिए एनरोल करता हूँ. ठीक है, 69 आउटरीच प्रोग्राम ऑन RS एंड GIS एप्लीकेशन. ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो, आउटरीच प्रोग्राम ऑन बेसिक ऑफ जियो कॉम्पिटिशन एंड जियो वेब सर्विस. आपको पता होगा मतलब बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग कोर्स है ISRO की तरफ से, तो बिल्कुल एनरोल कर लेना चाहिए आपको. ठीक है, तो यहाँ जो भी कोर्स में आपको एनरोल करना है आपको उस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है. ठीक है, आप जैसे उस कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये रहा हमारा कोर्स का नेम. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है इंस्टीट्यूट नेम. ठीक है, तो यहीं पे आता है हमारा ट्रिक की बात, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे इंक्लूड है पर कुछ इंस्टीट्यूट का नेम इंक्लूड नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर आपके मतलब मैं खुद का बात कर रहा हूँ, मेरे खुद का कॉलेज का नेम भी इस वेबसाइट पे ISRO की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट इंक्लूड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कॉलेज का मतलब नेम इंक्लूड है तो फिर कोई बात नहीं, आराम से आप एनरोल कर सकते हो. अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके सारा जो डिटेल्स है वो भरना है, फिर आपके कॉलेज वालों से आपको थोड़ा बात करना होगा, तब आपका कॉलेज का मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा. ठीक है, पर फिर भी अगर आपको मतलब कॉलेज से बात नहीं करना है, अगर आपको ये सब मतलब उलझन में नहीं फंसना है तो आप एक काम कर सकते हो, जो कि आपका नियरेस्ट कॉलेज है. ठीक है, ये ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि आपका
नियरेस्ट कॉलेज है जहाँ पे आपके दोस्त वगैरह पढ़ते होंगे वहाँ पे, मतलब उस कॉलेज का नेम आपको दे देना है। जब आप कॉलेज का नेम दोगे ना तो वहाँ पे आपका जो फैकल्टी होंगे जो भी उस कॉलेज में ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे होंगे उनका नेम फ़ोन नंबर सब आ जाएगा, ठीक है, मेल पर आपको आ जाएगा या फ्रंट पे आपको दिखा देगा। तो आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे कॉलेज का नेम नहीं है, तो मतलब अलाउ कीजिए। तो ज़्यादातर केस में अलाउ कर दिया जाते हैं और आप अपना कोर्स फ्री में कर सकते हो इसरो की तरफ से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ट्राइडेंट दे दिया हूँ, ट्राइडेंट में मेरे मतलब काफ़ी दोस्त पढ़ रहे हैं और वो मेरे से पास भी है, ठीक है, इसलिए मैं ट्राइडेंट दे दिया हूँ। जैसे मैं ट्राइडेंट दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है नेम ऑफ कोऑर्डिनेट, तो राहुल रंजन जो कि सर है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनका मतलब डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हो, जो कि मैं भी करूँगा अभी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉलेज का नेम हो गया, फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देना है आपको, नेम, फिर आपको यहाँ पे हिंदी में देने की कोई जरूरत नहीं, बस इंग्लिश में दे देना, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर नेशनलिटी, फिर ईमेल एड्रेस थोड़ा केयरफुल फिल करना, फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस, मतलब फिर से आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर आपको देना है, फिर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपको देना है, मतलब कोई भी दे सकते हो, ठीक है, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, एड्रेस आपको दे देना है। फिर अगर सेम है तो फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, लाइक फर्स्ट हो गया हमारा 10th स्टैंडर्ड, फिर 10th 12th, फिर अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो ग्रेजुएशन दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो वो भी दे सकते हो, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको देना है। फिर सब्जेक्ट, आपको मतलब 10th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, फिर परसेंटेज कितना है, फिर बोर्ड आपको कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग कितना है, सब कुछ आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपको जो भी मतलब आपका जो स्टेटस है उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो फिर अगर आपका मतलब क्वालिफिकेशन चल रहा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूजी है, पीजी है, पीएचडी है, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है हैव यू प्रीवियसली अटेंडेड एनी कोर्स एट आईआरएस, अगर आपको मतलब इसरो से पहले कभी कोर्स किए हो तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं किए हो तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो कि मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको देना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना, फिर वो जो मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका फाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फाइल का साइज 1 MB से नीचे होना चाहिए, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा लिखा गया है इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आ रहा है ग्रेजुएशन मार्क लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का मार्क्स मेंशन कर लिया। फिर अभी हम चलते हैं सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो मैं जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, इनका वेबसाइट थोड़ा स्लो है, ठीक है, थोड़ा वेट करना, बफरिंग थोड़ा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बफरिंग हो रहा है थोड़ा, तो थोड़ा स्लो है साइट, पर जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको थोड़ा वेट करना है, आपके मेल पे सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद क्या क्या होगा सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे आप इजीली इसरो का सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, आराम से फॉलो अप करके मैं जो भी बताया आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना, आप भी इसरो का सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप द वीडियो वाज वैल्यूएबल फॉर यू, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे नॉलेजेस वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।